लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे थे और 3.1 तक 3.1 के मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। जो बाकी टॉपिक रहेंगे उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो टॉपिक थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे। लास्ट टॉपिक जो था वो किसी भी दो लाइंस के दरमियान जो रिलेशन हो सकते हैं जितने पॉसिबल वो सब आप लोगों को मैंने बता दिए थे। उसके बाद जो अब टॉपिक है वो टॉपिक है कंकरेंट लाइन का। अच्छा, कंकरेंट लाइंस कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वही कॉन्सेप्ट है जो आप अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपने तकरीबन 8 क्लास से ही सीख लिया था कि दो इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है। तो वो जो सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकालते थे ना, वो बेसिकली एक पॉइंट आता था, वो वाला पॉइंट जो उन दो लाइन के दरमियान इंटरसेक्टिंग है, जहां पे वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर दो लाइंस होती हैं तो आप इंटरसेक्टिंग का वर्ड यूज कर लेते हो, लेकिन अगर तीन लाइन किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो फिर आप कंकरेंट का वर्ड यूज कर लेते हो। होता वही है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कहने का मतलब अगर एक लाइन इस तरीके से है, दूसरी लाइन को इस तरीके से लेट कर लो और तीसरी लाइन आपको इस तरीके से लेट कर लो, ठीक है। अगर ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मिलेंगी तब आप कंकरेंट बोलोगे। ये नहीं कि कोई दो लाइन एक पॉइंट में मिल रही है, तीसरी लाइन कहीं और जा रही है। तीनों लाइंस अगर एक पॉइंट पे मिलेंगी तो उन लाइंस को आप क्या बोलोगे? कंकरेंट लाइंस। और जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं उस पॉइंट को आप बोलते हो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब इसके सवाल डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और उसके लिए आपको फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। फॉर्मूला ये है कि अगर आपको चेक करना हो कि कोई भी तीन लाइंस कंकरेंट है या नहीं है, तो आप किस तरीके से चेक करोगे? तो आप कंसीडर करोगे सबसे पहले तीन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन, ठीक है, और कोशिश करना कि जब भी आप ये वाला सवाल करो तो आपकी लाइन जो है वो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए। अगर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है तो मेथड जो है वो आपका फेल हो जाएगा, मतलब आंसर गलत आ जाएगा आपका, जनरल फॉर्म अगर आप किसी कन्वर्ट नहीं हुई भी। तो फॉर्मूला क्या है कि आपने जो डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम जो है उसके अंदर एक्स के कोएफिशिएंट आएंगे a1, a2, a3, इसी तरह b1, b2, b3 और c1, c2, c3, और ये पूरा डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर आ गया तो इसका मतलब लाइंस जो हैं वो कंकरेंट है। आपने एक्स के कोएफिशिएंट पुट कर दिए, आपने y का कोएफिशिएंट पुट कर दिया, आपने कांस्टेंट टर्म्स पुट कर दी, और अगर ये पूरा डिटरमिनेंट आप सॉल्व करो और रिजल्ट जीरो के बराबर आ गया तो इसका मतलब वो तीनों लाइंस क्या है? कंकरेंट है। तो MCQs में एक सवाल इस तरीके से आ सकता है कि वो आपसे पूछ लें कि गिवन लाइंस आर, ऑप्शन में लिखा होगा कंकरेंट, नॉन कंकरेंट, पैरेलल। तो याद रखना तीन लाइन की इक्वेशन में आपको ज्यादातर वो पैरेलल का नहीं होता, ठीक है, ज्यादातर कंकरेंट का ही होता है। तो आप एहतियाती तौर पर सबसे पहले कंकरेंट की देखना और वो आप ऑब्जर्व करोगे, अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आ रहा तो उसका मतलब वो कंकरेंट नहीं है, अगर जीरो के बराबर आ रहा होगा तो उसका मतलब वो कंकरेंट है। तो एक तरीके से तो सवाल इस मेथड से आ सकता है। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि वो आपको कोई अननोन की वैल्यू दे दें, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है आई गेस 3.1 का, जिसमें के निकालना है आपको। कुछ कहना चाह रहा है कोई? हाँ, आपका माइक्रोफोन ऑन है यार, ख्याल रखा करो थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 ही है। क्वेश्चन नंबर अगर 10 को आप देखो तो मैं आपको मेथड बता देता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना, कि जैसे पार्ट नंबर 1 उन्होंने लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 2, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है दूसरी लाइन है y इक्वल टू x प्लस 1, तीसरी लाइन है kx प्लस 3, y इक्वल टू kx प्लस 3। तो कंडीशन क्या गिवन है, लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द थ्री लाइंस बी कंकरेंट। आपको बोला हुआ है कि आप वैल्यू ऑफ के निकालो जिस पे लाइंस जो हैं वो कंकरेंट हो जाएं। तो आपने बस करना ये है कि आपने सबसे पहले इनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मकसद किस तरह करोगे? वाई की टर्म को आप इधर ले आओ, ठीक है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद कंडीशन ये कि तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, तो अगर कंकरेंट है तो डिटरमिनेंट पूरा किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। तो मैं जरा कॉपी कर देता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना। एक्स के कोएफिशिएंट, वाई के कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना, सॉल्व करना, यहाँ से आपके पास है के की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये सवाल बाकी जगह भी आएगा। चलो मैं एक दफ़ा आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना, आप लोगों को मेजॉरिटी को आता होगा क्योंकि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर में रिड्यूस नहीं था चैप्टर 4, अब तो कैंसिल हो गया चैप्टर 4। फिर भी अगर आपको डिटरमिनेंट, मैं जल्दी बता देता हूँ मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ।
अगर आपको बेसिक मेथड पता है ना तो आप मेरे वाले मेथड को पिक कर लोगे, मतलब जल्दी में किस तरह आप सॉल्व करोगे उसको। तो मैं इस तरह करता हूँ, अगर मैंने R1 से एक्सपेंड करना है तो मैं 2 लिखूंगा, मुझे पता है ये वाली रॉ डिलीट हो जाएगी, कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो माइनस वन को 3 से करो माइनस 3, माइनस वन को 1 से करो माइनस 1, और एक फॉर्मूले का भी माइनस होता था पॉजिटिव 1। तो मैं डायरेक्ट इस तरह कैलकुलेट करता हूँ, लिखता नहीं हूँ, पूरा टाइम ज़ाया होता है। अगर आप लोगों को इस तरह ईजी ना लगे तो आप लोग लिख के कर लेना। फिर सेकेंड टर्म के साथ माइनस साइन आता है तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, k को 1 से मल्टीप्लाई करो k, दरमियान में माइनस लगा दो। फिर तीसरी टर्म 2 है, 1 को मल्टीप्लाई करो माइनस 1 से, और k को मल्टीप्लाई करो माइनस से माइनस k, लेकिन फॉर्मूले का भी k होता है। इस पूरी चीज़ को ज़ीरो रखना, कोई k की टर्म आएगी सॉल्व करके आप यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेना। हाँ, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये, 10 का पार्ट 1 मैंने करवाया था। तो इस टाइप का सवाल आ सकता है कंकरेंट का। तो मैंने बताया था एक इस टाइप का आ जाएगा कि चेक करना होगा, दूसरा आपके पास आ जाएगा क्योंकि आपको अननोन दे देंगे कोई और बोलेंगे वैल्यू निकाल लो, और तीसरी किस्म का सवाल आ जाएगा यार इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालो। लेट कर लो यही अगर आपके पास लाइंस हो, इसमें के की वैल्यू पता नहीं क्या आएगी, देख लेते हैं के की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से माइनस 3 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 4, प्लस 3 माइनस के माइनस 2 प्लस 2k, तो ये हो जाएगा k माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 होता है, माइनस 3 को उधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा। रफली मुझे लग रहा है k की वैल्यू 3 आ रही है। तो कंसीडर कर लेते हैं एक और एग्जांपल, ये लाइंस अगर आपके पास गिवन है तो ये वही ऊपर वाली एग्जांपल है जिसमें मैं k की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये लाइंस जो है ये कंकरेंट है। तो वो आपको बोलेंगे कि भाई ये तीन लाइंस कंकरेंट है, इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालो, मतलब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जिस पे ये मिल रही हैं। तो इसका मेथड क्या होगा, वही जो मैंने बताया था 8 क्लास से आप करते हुए आ रहे हो। आपको तीनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी दो पिक कर लेना। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे तीसरी लाइन को हटा दूँ तो क्या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी चेंज हो रहा है? क्या वही रहेगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी एक ही है, ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मिल रही हैं, दो लाइन भी उसी पॉइंट से पास कर रही होंगी। तो आप कोई भी दो लाइन पिक करना और उनके दरमियान जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोग बचपन में अलजबरा से निकालते हुए आ रहे हो कि एक्स को कैंसिल करो, वाई निकालो, वाई की वैल्यू फिर एक्स में पुट करो, ऐसा कुछ करते हुए, तो आप करना, आपके पास आसानी से पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ जाएगा। ठीक है यार, भाई तुम लोग अपनी कॉन्वर्जेशन ना किया करो, मुझे लगता है सवाल पूछ रहे हो कोई। यार अब ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग अपनी बुक में भी करते हुए आ रहे हो, मैं रेफरेंस दे देता हूँ वहाँ का, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना उसके अंदर आपने यही काम किया है, मैंने भी यूट्यूब पे क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, आप लोग ने भी कहीं ना कहीं से तो किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेना, आप यही काम करते हो, आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो मेथड बहुत ईजी है, ये आप लोग देख लेना। ये तीन किस्म के क्वेश्चन हैं जो कंकरेंट लाइन से रिलेटेड आ सकते हैं, तीनों पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों को बता दी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यार एक चीज़ मैं बार बार कोर्स के स्टार्ट में और जब मैंने कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी, मैंने बार बार ये बात बोली थी कि ये क्रैश कोर्स है, ये 1.5 महीने का कोर्स है, इसमें आप ये मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं आप लोगों को डिटेल में एक एक चीज़ करवाऊँगा। मेरी टीचिंग का ये है नहीं, आप लोगों को पता है मेरी टीचिंग है डिटेल वाली, लेकिन जब टाइम कम होता है तो इंसान मजबूर हो चुका होता है कि आपने यार अब मैं बोलूँ ईद के दिन पढ़ो मुझसे आगे, पढ़ोगे तुम लोग क्या? और वैसे भी सेंस नहीं बनती ईद के दिन क्यों पढ़ोगे तुम लोग, एक ही दिन तो खुशी का है, उसमें भी अगर ये काम कर रहे होगे तो फिर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे एक स्टूडेंट ने बोला है, मैं नॉर्मली स्टूडेंट की बात इस तरह रद्द नहीं करता, मैं उनको करके दिखा देता हूँ, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है यार, आप लोगों को खुद थोड़ा सोचना चाहिए, टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो जो ईजी तरीके जो आप लोग पहले से करते हुए आ रहे हो, ज़रा कॉपी खोल के देख लेना ये काम, दो इक्वेशन को सॉल्व करना कोई पहली दफ़ा है, मैंने बताया 8 से करते हुए आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आता ये, ठीक है, लेकिन एक बस इसका जो कंडीशन है ना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसकी। के मेथड ये था कि जब आपको कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, लेट कर लो एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा ये एरो हेड आप कहीं भी लगा सकते हो, लाइन दोनों तरफ से बढ़ती है, अब यहाँ पर भी एरो हेड लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, एक तरफ वैसे ही लगा दिया जाता है। सर आप जितनी थ्योरी करवा रहे हैं वो आईबीए ग्रेड्स वाले भी नहीं करवा रहे सर? अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता आईबीए ग्रेड वाले कौन है, सुना हुआ है, पता नहीं कौन किसकी बात कर रही हो आप। अच्छा क्या कहते हैं,
ये दो जो लाइन है ना, ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कंसीडर कर लो, किसी भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। के मेथड ये कहता है कि अगर दो लाइन जो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई तीसरी लाइन पास कर रही है, जैसे लेट कर लो एक तीसरी लाइन है जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, तो इस तीसरी लाइन की इक्वेशन कैसे मालूम करोगे? गिवन क्या है आपको? इस लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, इस लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, और आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी जो इन लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, ये के मेथड होता था। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है 3.1 का, उसके 8 पार्ट थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 जो है 3.1 का ही, उसके भी 4 पार्ट है, वो भी के मेथड से रिलेटेड है। तो उसमें यही काम आप करते थे, डिफरेंट कंडीशन होती थी, लेकिन वो एमसीक्यूज में नहीं आती। एमसीक्यूज में क्या पूछ सकते हैं कि वहां पे आप ये इक्वेशन कंसीडर करते थे कि अगर दो लाइन के इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, L1 प्लस के L2 इक्वल टू जीरो। तो आप L1 की इक्वेशन पुट करते थे, फिर L2 की पुट करते थे, फिर सवाल में कोई भी कंडीशन होती थी उससे K की वैल्यू निकाल के पुट करते थे और आपके पास इक्वेशन आ जाया करती थी। वो सब्जेक्टिव का काम है, ऑब्जेक्टिव के लिए बस आपको ये चीज पूछी जा सकती है, तो इसको आप लोग बस ध्यान में रखना, बाकी के मेथड का सवाल आ ही नहीं सकता ऑब्जेक्टिव में। फिर अगर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 के बाद, जो फॉरन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उसके अंदर एक और टॉपिक था जिसको आप कहते हो ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? देखो ऑर्थो सेंटर, जैसे आपने बाकी भी पढ़े हैं सब सेंटर, मैं कंबाइन एक दफा सबकी डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा। ये आखिरी सेंटर है ट्रायंगल का, ये भी समझ लो। ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल का एक सेंटर होता है, और उस सेंटर की डेफिनेशन ये है कि जहां पे ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं। ऑल्टीट्यूड वो लाइन होती है जो एक वर्टेक्स से पास होती है और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बनाती है। ये समझ लो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसी तरह ये भी एक ऑल्टीट्यूड आप बना सकते हो, ये वर्टेक्स से पास हो रही है और अगले साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह ये भी परपेंडिकुलर बना सकते हो। तो जहां पे ये तीनों ऑल्टीट्यूड मिलते हैं ट्राइंगल के, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये डेफिनेशन होती है ऑर्थो सेंटर की। अब इसकी एक ट्रिक है, लेकिन वो नॉर्मली एनडी यूनिवर्सिटी में आती नहीं है, लेकिन मैंने पहले सरगम सेंटर का बताया हुआ था तो मैं इसका भी बता देता हूँ। ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्राइंगल का निकालना बहुत मुश्किल है, गिवन कि अगर आपको उसके साइड्स की इक्वेशन गिवन है आपको, तो फिर निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर वर्टिसेस भी गिवन होना तब भी निकालना आपके लिए मुश्किल ही है, इतना इजी नहीं है। लेकिन जब इक्वेशन गिवन हो, जो आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में गिवन है 3.1 के, तो एक लंबा पूरा सवाल 2-3 पेजेस का बनता है आराम से, बल्कि 3 तो कम से कम बनते हैं पेजेस, तो वो एमसीक्यूज में नहीं आ सकता। ये वाली ट्रिक मैं अपने नर्स के बच्चों को बताता था, लेकिन ये ट्रिक इतनी ईजी है, मैंने कहा आप लोगों को भी बता देता हूँ कि बस आपने चीज़ याद रखनी है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज एट राइट एंगल। कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर आप उसका ऑर्थो सेंटर निकालोगे तो उसका ऑर्थो सेंटर राइट एंगल के ऊपर होगा। कहने का मतलब, अगर आपके पास एक राइट एंगल बना हुआ है ये, तो जहां पे 90 डिग्री बन रहा है ना, वहां पे ऑर्थो सेंटर लाए करेगा। ये पॉइंट है ऑर्थो सेंटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इज एट राइट एंगल। जिधर राइट एंगल बन रहा होता है ना, उस वर्टेक्स पे उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर लाई कर रहा होता है। तो ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर होता है, बाकी के निकालना बड़ी मुश्किल है, वो आप जब सवाल देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये राइट एंगल में आपको आसानी होती है, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई थी कि जब राइट एंगल का आता है तो वो काफी ईजी वर्टेक्स देते हैं। जैसे अगर आपके पास एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल की, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? ट्रिक मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, किसी भी दो पॉइंट में सेम एक्स वैल्यू होगी, किसी भी दो पॉइंट में सेम वाई वैल्यू होगी, तो यहां से पता चल जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल है। और जिस पॉइंट के नीचे दोनों डैश लगी हुई है, इसका मतलब उसके ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, मतलब वो ये वाला पॉइंट है। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जिस पे राइट एंगल बनता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। तो जो आपने दोनों डैश लगाई हुई है वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो ये सवाल नॉर्मली आता नहीं है एनडी में, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था तो मैंने आप लोगों को बता दिया है।
अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, टाइम तो मेरा लगेगा 2-3-4 मिनट और, लेकिन मैं एक साथ कंबाइन कर देता हूँ क्योंकि 3-4 चीजें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करती है, मेरा एक्सपीरियंस है पूरा ये। वो 3-4 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले सेंट्रॉइड, दूसरी चीज सर्कम सेंटर, इन सबको ट्राइंगल के सेंटर्स बोला जाता है, तीसरी चीज है इन सेंटर, चौथी चीज है ऑर्थो सेंटर। ये स्टूडेंट ने मुझसे पूछ पूछ के बहुत दफा सवाल पूछे, सर इनमें फर्क क्या है, हम कंफ्यूज जाते हैं। तो इनकी डेफिनेशन में बता रहा हूं, हर एक की डेफिनेशन में अलग कॉन्सेप्ट है पूरा, डेफिनेशन में समझा नहीं रहा क्योंकि मैं अलग अलग जगह पे इनको समझा चुका हूं पहले से, मैं बस कंबाइन सबकी डेफिनेशन बता रहा हूं फर्क क्या है, जो की पॉइंट आता है ना वो मैं बता रहा हूं इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहली बात, ये चारों चीजें जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सब पॉइंट मतलब सब पॉइंट है तीन। अच्छा, एक और चीज याद आ गया, ये एमसीक्यूज भी आता है कि ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट होते हैं, ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड हो गए, ट्राइंगल के अंदर जो आप मीडियंस बनाते हो ये सब कंकरेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑल्टीट्यूड सब एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसी तरह अगर आप ट्राइंगल में मीडियंस बनाओगे तो वो भी एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे, आप ट्राइंगल के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे वो भी कंकरेंट होंगे, वो भी एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे। इसी तरह इन सेंटर में आपने पढ़ा था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो वो भी एक पॉइंट पे मिलते हैं, इसका मतलब वो भी कंकरेंट है। तो ये एमसीक्यूज ही बनता है, तो यहां पे मैंने बात कवर कर दी है। अब इस पे आ जाओ, ये चारों सेंटर है ट्राइंगल के, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि ये चारों पॉइंट है, सेंटर की बात की गई है इसका मतलब पॉइंट होगा, और ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीन लाइंस का, किसी भी तीन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब वो लाइंस आपस में चेंज है, जैसे सेंट्रॉइड होता है मीडियंस का इंटरसेक्शन, कि जहां पे मीडियंस मिलते हैं उस वाले पॉइंट को आप सेंट्रॉइड बोल देते हो। सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड्स के आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो वो जहां पे मिलेंगे वो सर्कम सेंटर होगा। ये मैं सब समझा चुका हूं आपको ऑलरेडी। इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो एंगल्स है ना उनको आप बाइसेक करो ना, वो जो लाइन मिलती है वो इन सेंटर होता है। और ऑर्थो सेंटर आपने भी पढ़ा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आती है, आपको बहुत ऐसे एमसीक्यूज मिल जाएंगे खासतौर पर सर्कम सेंटर और मीडियंस वाले, ये आपको सेंट्रॉइड वाले बहुत मिल जाएंगे, और ये दो और इन सेंटर भी बहुत आता है। ऑर्थो सेंटर मैंने कम देखा है, लेकिन ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने डिफरेंस भी इनके दरमियान आपको बता दिया। और क्या टॉपिक है? बस 3.1 के ही टॉपिक है, और कोई खास टॉपिक नहीं है। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो। के शुरू के तीन क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का अलग टॉपिक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स तो मैं शायद एक क्वेश्चन की करवा दूं या दो की करवा दूं, जो भी है, लेकिन आप 3.2 के शुरू के तीन क्वेश्चन देखो। मैं बार बार स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं, ये सवाल मुझसे इतना स्टूडेंट पूछे, सर ई कैट की बुक बताएं, सर कौन सी बुक बेस्ट है? यार ये इस बुक के पीछे ना एक चीज़ लिखी हुई होती है, मैं ख्याल में आपने नोट नहीं की, ये इधर नीचे ना बुक में देखना लिखा होगा सिंध टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक का मतलब आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब यूनिवर्सिटी में जाओगे तब समझ आएगा। यूनिवर्सिटी में दो किस्म की बुक्स होती हैं, एक होती है टेक्स्ट बुक, एक होती है रेफरेंस बुक। टेक्स्ट बुक का मकसद ये होता है कि आपने वहीं से पढ़ना है, रेफरेंस बुक होती है कि अगर किसी टॉपिक को आपने कंसल्ट करना है तो आप चलो उस बुक से पढ़ लो। तो ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक है। ये वही बात होगी कि मुसलमान जन्नत हासिल करने के लिए कुरान से दूर होकर इंसानों की लिखी हुई किताबों पर चला जाए कि यार ये इस बंदे ने लिखी है, मैं इस किताब पे अमल करता हूँ, कुरान को छोड़ दो, कुरान को बस वो तिलावत करने के लिए कर लो, ये ना देखो कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। आप लोग इस बुक के साथ यही काम करते हो, सर हम ई कैट की कौन सी बुक्स लें, डॉगर ब्रदर्स ले लें, किप्स ले लें, भाई ये बुक तो पहले सॉल्व कर लो, ये टेक्स्ट बुक है आप लोगों की, इसको छोड़ के भटक के आप दूसरी बुक सॉल्व कर रहे होते हो। तो मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूँ कि जो मैं टॉपिक बढ़ा रहा हूँ ये आप लोगों की एक्सरसाइज में मौजूद है, मैं तभी हर क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि 15 में टॉपिक है, 14 में टॉपिक है, वहां से आप प्रैक्टिस करो इसको।
और जो प्रैक्टिस करने वाले नहीं होते, जैसे ये लॉन्ग सवाल थे मैंने बता दिए, ये लॉन्ग नहीं आएंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, सब्जेक्टिव के लिए है। तो इसी तरह अभी जब मैंने बताया कि शुरू के तीन क्वेश्चंस में 3.2 के तीन टॉपिक्स हैं, तो उनकी एग्जांपल आप देख लेना, वहां पे आपको 5-5, 6-6 और किस सवाल के तीन पार्ट मौजूद हैं 3.2 के स्टार्ट में। तो प्रैक्टिस आप लोग वहां से कर लेना, मेरा काम है बस रिवाइज करवाना। आप लोगों को एक रास्ता दिखा दूंगा, आगे जाके आप लोग खुद उसकी एग्जाम्पल लेकर ट्राई कर लेना। पहला टॉपिक जो है वो है पॉइंट टू लाइन, पोजिशन ऑफ अ पॉइंट, पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अब इसका मतलब क्या होता है, मेरा काम है मतलब समझाना, टॉपिक समझाना, एग्जाम्पल एक दे दूंगा वो काफी हो जाएगी आप लोगों के लिए कि भाई एक लाइन बनी हुई है। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट से पॉइंट कहां कहां हो सकता है, पॉइंट ऊपर भी हो सकता है जिसको हम अबव बोलते हैं, पॉइंट नीचे भी कहीं हो सकता है जिसको हम बिलो बोलते हैं, और पॉइंट लाइन के ऊपर भी हो सकता है जिसको आप ऑन द लाइन बोलते हो। हाँ, तो मैंने कब मना किया कि आप लोग मुझसे ना पूछो, प्रैक्टिस करते हुए आप लोग पूछ लो, ये क्या बात है कि हम पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते। आप लोगों को मैंने क्यों रजिस्टर किया है उसकी रीज़न मैंने ही बोली थी कि मेरे पास बाकियों को हैंडल करने का टाइम नहीं है, आप लोग पूछ लेना। और मैं पहले भी बोलता हूँ ग्रुप पे पूछा करो, तभी मैं कह रहा था ग्रुप पे फालतू मैसेज अवॉइड किया करो, जो काम के मैसेज हैं वो करो, ताकि एक दूसरे से ये हेल्प करो, और ना समझ आए तो मुझे टैग कर दो, अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो मुझे टैग कर दो, मैं देख लूँगा उसको। लेकिन अगर आपके 150 मैसेज आ रहे हैं तो मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगा, तो इसलिए कह रहा था कि ग्रुप इस मकसद के लिए बनाया हुआ है। अब आप कंसीडर कर लो भाई पॉइंट है x1 y1, क्योंकि जो फॉर्मूला मैं बताने लगा उसको समझने की बात समझने के लिए बता रहा हूँ कि पॉइंट लेट कर लो x1 y1 है, और इक्वेशन जो है वो ax plus by plus c = 0 है। तो अगर आपको पॉइंट की पोजीशन बतानी है, सबसे पहले इस मेथड में ध्यान रखना कि b > 0 होना चाहिए। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम में 2016 में आपको ऐसा MCQs मिलेगा जो अपनी बारी में मैंने गलत कर दिया था, प्रैक्टिस की थी लेकिन इंसान से हो जाती हैं गलतियां, तो मैंने उसमें 2016 में जाके देख लेना आप लोग पास पेपर में MCQs में, इसमें माइनस होगा वाई का कोफिशिएंट, तो मैंने उसको पॉजिटिव नहीं किया तो मेरा आंसर उल्टा आ गया था पूरा। तो बार बार बताता हूँ कि यार ये आप लोग गलती नहीं करना, इस सवाल में बहुत ही गलती होती है कि अगर वाई के साथ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लेना। मैं एक नेगेटिव वाली एग्जाम्पल दे दूंगा, तो जब पॉजिटिव कर लो फिर क्या होगा कि आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना जहां x लिखा हुआ है वहां पे इस पॉइंट की x वैल्यू पुट कर देना, जहां पे y लिखा हुआ है इस पॉइंट की y वैल्यू पुट कर देना प्लस c। अगर पॉइंट इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, या लेस देन 0 आ रहा है, तो इनका मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब पॉइंट अबव है, इक्वल टू 0 आ रहा है इसका मतलब पॉइंट ऑन द लाइन है, और अगर लेस देन 0 आ रहा है इसका मतलब पॉइंट बिलो द लाइन है। मैं एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, बल्कि खुद ही बना लेता हूँ मैं। जैसे लेट कर लो एक लाइन है 2x - 3y + 4 = 0, और एक पॉइंट लेट कर लेते हैं 2, -1। अब बताओ इस पॉइंट की पोजीशन क्या है? सबसे पहला स्टेप माइनस है, पॉजिटिव करो इसको। कैसे? पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आप पॉइंट को पुट करो, y की जगह -1 पुट कर दो, और कांस्टेंट क्या है? -4। ये हो जाएगा -4, -3, -4। डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो लेस देन 0 है, कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये बिलो द लाइन लाई कर रहा है। तो इस तरह आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता दोगे। 3.2 का, अच्छा बुक में एग्जांपल आपको काफी मिल जाएंगी, क्वेश्चन नंबर 1 है 3.2 का, उससे बाकी आप लोग देख लेना। 3.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका टॉपिक है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम जब भी मैथ के अंदर डिस्टेंस की बात करते हैं किसी भी दो लाइंस के दरमियान, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, तो वो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है अगर पॉइंट की बात की जाए, और अगर पॉइंट और लाइन की बात की जाए तो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक पॉइंट है और एक लाइन है तो डिस्टेंस इस तरह भी हो सकता है, लेकिन हमने कौन सा लेना है? जो परपेंडिकुलर है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो आप किस तरीके से निकालोगे? तो वही कंसिडर करो, ये पॉइंट है x1 y1, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ax + by + c = 0। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है मॉड ax1 + by1 + c / √a² + b². बहुत इजी मेथड है, मेरे ख्याल में एग्जांपल देने की भी जरूरत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे b को पॉजिटिव करो नेगेटिव करो कोई मैटर नहीं करता,
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव करने का फर्क वैल्यू पे नहीं पड़ता था, मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, साइन पे पड़ता है। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते तो आपके पास पॉजिटिव 8, ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव 11 आता, लेकिन आपने इसको पॉजिटिव किया तो अब आपके पास नेगेटिव 11 आ रहा है। मैग्नीट्यूड 11 ही आएगा, बस साइन का फर्क होगा। लेकिन जब आपने मॉड लगा दिया अब तो बात ही खत्म। आप बी को पॉजिटिव करो नेगेटिव करो, रिजल्ट आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो ए बी सी ये इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्स वन वाई वन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। बस फॉर्मूले में पुट करना, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल भी मिल जाएंगी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको। और तीसरा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3 का, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फिक्स रहता है। अगर कोई दूसरी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उनके दरमियान डिस्टेंस बार बार चेंज होता है, तो तभी उनके दरमियान हम निकाल नहीं सकते, हम पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, ब्लेट कर लो दो पैरेलल लाइन है तो ये आपको डिस्टेंस निकालना है। तो किस तरह निकालोगे? सबसे पहले आपके पास दोनों इक्वेशन जो है उनकी शुरू की दो टर्म सेम होनी चाहिए। मैं जनरल फॉर्म जो लेट कर रहा हूँ वो ये वाली लेट कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू। अगर गौर करो दोनों इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है, शुरू की दो टर्म सेम है। सवाल ये होता है स्टूडेंट का, सर अगर सेम ना हो तो कोई मसला नहीं, मैं आपको जरा एग्जांपल दे देता हूँ, अपनी बना के दे देता हूँ एक। जैसे लेट कर लो फॉर्मूला, चलो मैं सामने लिख दूंगा, लेट कर लो आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 और एक इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 1। तो अब सवाल ये कि इनमें तो दोनों शुरू की टर्म अलग है, इसमें 2x है, इसमें 4x, इसमें 3y, इसमें 6y, तो सेम कैसे करोगे? भाई मर्जी आपकी, जिस तरह भी सेम कर लो, या तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो ये सेम हो जाएगा, या इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगी, तो बेहतर है आप ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4x, इसको मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 6y, और इसको मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 8, दैट्स इट। अब इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंसीडर करो, शुरू की दोनों टर्म सेम है, ठीक है? तो लेट कर लो शुरू की दो टर्म पहले से सेम थी, अगर डिफरेंट थी तो आपने सेम कर ली है। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बहुत ईजी सा है, सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो कैसे निकालोगे आप? सिंपल सा मेथड है, जैसे यहां पे देखो सी वन क्या है, 8 के बराबर, तो आप लिखोगे 8 माइनस सी टू, यहां पे माइनस 1 के बराबर है, माइनस माइनस पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए यहां पे देखो दोनों जगह 4 है, मतलब इक्वेशन में दोनों जगह x का कोएफिशिएंट सेम ही है, 4 के बराबर है, तो 4 का स्क्वायर 16 और y का कोएफिशिएंट 6 है, 6 का स्क्वायर 36। तो सिंपलीफाई कर लो, आपके पास पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तीन पार्ट हैं, तो आप तीनों पार्ट में से सब सॉल्व करके, तीनों पार्ट सॉल्व करके देख लो। ये वाई सवाल है जो ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, सब्जेक्टिव में, बाकी जो दो मैंने बताए वो प्योरली ऑब्जेक्टिव में आते हैं, वो इतने छोटे हैं वो सब्जेक्टिव में नहीं आ सकते। लेकिन ये मैंने एक दफ़ा देखा है, हालांकि ये भी बहुत छोटा सा है, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने दिया हुआ था 5 नंबर के अंदर ये। बहरहाल यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो, तीन टॉपिक जो हैं वो तीनों मैंने कवर करवा दिए आपको।